चैनल नूतन शर्मा क्लासेस हैप्पी राखी। आज राखी का त्योहार में मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस मौके पे मैं शुगर फ्री कलाकंद बनाई हूँ, तो चलते हैं। शुगर फ्री कलाकंद बनाने के लिए मैंने क्रश किया हुआ 100 ग्राम पनीर लिया है, मिल्क पाउडर 50 ग्राम, हाफ कप मिल्क, पीसी हुई इलायची, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा बादाम। सबसे पहले मैं एक बर्तन में मिल्क पाउडर लूंगी, और दूध इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। लम्स ना हो इस तरह मिलाते जाना है, खूब अच्छी तरह मिलाना है। अभी इसे बिना हीट का ही मिलाते जाना है। ये मिल्क पाउडर और दूध मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। ये मिक्सचर जो मैंने कढ़ाई में गरम कर रही हूँ, उसमें अब पनीर जो क्रश करके रखा वो ऐड कर दूंगी। और अच्छी तरह से चलाते जाना है। गैस का फ्लेम लो रहेगा और धीमी आंच में इसे चलाते जाइए। पेस्ट गाढ़ा हो गया है, अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी और चलाऊंगी थोड़ी देर और। कलाकंद बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा सुखाना नहीं है, थोड़ी गीली रखेंगे। इसमें मैंने चीनी बिल्कुल नहीं मिलाई है, क्योंकि मैं यहाँ शुगर फ्री कलाकंद आप लोगों को बना करके दिखला रही हूँ। थोड़ी गीली रहने पर मैं एक तेल लगा हुआ प्लेट में इसे निकाल लूंगी। अब इसमें मैं बादाम थोड़ी सी डाल देती हूँ और थोड़ी सी किशमिश गार्निश के लिए, और इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आधे घंटे के बाद मैं फ्रिज से इसे निकाल ली हूँ। देखिए ये सेट हो चुका है, अब इसे मैं काटूंगी। देखिए मेरा कलाकंद कितना टेस्टी और कितना अच्छा बना है। ये शुगर फ्री कलाकंद बनके रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा बना है। जिन लोगों को मीठा नहीं खाना हो या जिन लोगों को बहुत कम मीठा पसंद हो, वो ये कलाकंद बना के खाइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जरूर से घर में ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय।